जो ये कांग्रेस की सरकार प्रदेश में पदस्थ है जी। उनके द्वारा जो लगातार संजय सत्येंद्र पाठक विधायक बिजरावगढ़ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनैतिक रूप से जो दबाव बनाया जा रहा है, जो बिना जांच के उनके ऊपर उनको दोषी मानते हुए कार्रवाई की जा रही है, उनको मारने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के उनके कार्यकर्ता जो साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो साथीगण हैं, हम इस बात को लेकर के आज महामहिम राज्यपाल जी के नाम से एक ज्ञापन बिजरावगढ़ विधानसभा कार्यकर्ता के नाम से सौंपा है और हमने चेतावनी भी दी है उस ज्ञापन के माध्यम से कि यदि समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं होती है या हमारे नेता के विरुद्ध किसी अनुमान अमानवी कृत्य का शिकार बनाया जाता है तो हम बिजरावगढ़ के लोग, बिजरावगढ़ भर के लोग नहीं, कटनी जिला के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हम जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरे मध्य प्रदेश में बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कहीं कमजोर नहीं है, सत्ता से बढ़कर है और किसी भी प्रकार का अन्याय संजय सत्येंद्र पाठक जी के साथ होगा वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, हम उसका विरोध करेंगे, पुरजोर से विरोध करेंगे।